नमस्कार। बमोरी में खिला कमल, क्षेत्र में हो रही है गजब की हलचल। जी हाँ दर्शकों, जैसी की आशा थी, उम्मीद थी, बमोरी की जो सीट है वो भाजपा के खाते में जाएगी और वही हुआ। हम आपको बता दें, बमोरी विधानसभा सीट पर दो कद्दावर नेता थे। एक थे कन्हैयालाल अग्रवाल और दूसरी तरफ थे महेंद्र सिंह सिसोदिया। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद महेंद्र सिंह सिसोदिया से जनता की उम्मीदें बढ़ चुकी थीं और उन उम्मीदों पर वे खरे भी उतरे। सभी माताओं बहनों ने हमारे संजीव भैया के लिए इतना जबरदस्त आशीर्वाद दिया है। जी हाँ, लगभग 50,000 से ज्यादा मतों से आज उन्होंने जीत प्राप्त की है और निश्चित रूप से भाजपा की पैठ आज भी बमोरी क्षेत्र में बनी हुई है। पीजी कॉलेज गुना में आज बमोरी विधानसभा सीट के परिणामों के लिए दिन भर गणना चलती रही, जिसमें लगभग 23 राउंड हुए। प्रत्येक राउंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कांग्रेस के प्रत्याशी से आगे बने रहे और अंतिम रिजल्ट्स इस प्रकार रहा। कांग्रेस के प्रत्याशी केएल अग्रवाल को 47,616 मत प्राप्त हुए, जबकि भारतीय जनता पार्टी के महेंद्र सिंह सिसोदिया को 1,240,000 वोट प्राप्त हुए। इस प्रकार लगभग 50,000 से ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र सिंह सिसोदिया को जीत मिली। दर्शकों, आज की आवाज में आज बस इतना ही। कल फिर से नई खबर के साथ उपस्थित होंगे। दीजिए अनुमति। नमस्कार।